फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आई फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं पिछले वीक में साइंस, टेक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उन सभी बिंदुओं को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। पिछले वीक में हमने 20 मार्च तक की करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था। इसके आगे हम 21 से लेकर 27 मार्च तक के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम आज कवर करने वाले हैं जो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। हमेशा की तरह हमारा अप्रोच रहेगा, इसके डायनेमिक पार्ट यानी करंट को हम पढ़ेंगे और पैरेलली ही हम इसके स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बेहतर और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मिल सके और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक और जरूरी सूचना, कॉम्पिटिशन कमेटी की मंथली मैगजीन छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख किताबघरों में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने कॉम्पिटिशन कमेटी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर लें और हमसे प्रत्यक्ष तरीके से आप जुड़ सके। आज के सेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, गौरैया ने स्पैरो, प्रतिवर्ष इसे 20 मार्च को मनाया जाता है दुनिया भर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पैरो क्यों इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, ये बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, और दूसरा कि यहां पे देख रहे हैं कि स्पैरो के नंबर्स जो है लगातार और बहुत ही ड्रेस्टिकली इसके नंबर्स कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इसके संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 से पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ। अब इसमें किनका योगदान था? भारतीय पर्यावरणविद, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मोहम्मद दिलावर। ये कौन से पर्सन है? ये फेमस और बहुत ही रिनाउंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। इनकी एक एनजीओ है, उनका नाम है नेचर फॉरएवर सोसाइटी, जिसका योगदान माना जाता है कि गौरैया के संरक्षण में इनका जो है योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और प्रतिवर्ष जो है 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाना वो 2010 से प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक 30 से भी अधिक देशों में यह जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा चूंकि इसके नंबर्स जो है ड्रेस्टिकली बहुत चेंज हुआ है, लगातार बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलेशन में डिक्रीजमेंट देखा गया है, तो इसके संरक्षण के लिए की बात की गई है। और फिलहाल जो है ये IUCN की दुर्लभ लिस्ट में शामिल है, जिसमें कि हम देखते हैं डिफरेंट अलग अलग लिस्ट होता है, जिसमें कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील, है ना, अति संकट ग्रस्त, लिस्ट कंसर्न, ये सभी जो है इसकी कैटेगरी होते हैं। किसकी? IUCN। IUCN समझते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो एक डेटा पब्लिश करता है, एक बुक पब्लिश करता है, रेड डेटा बुक कहते हैं, रेड डेटा बुक मेंटेन करता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि सभी ऐसे प्रजातियों को, स्पीसीज को, चाहे वो फ्लोरा फौना हो, कोई सा भी हो, सबके उनके संरक्षण की बात करता है, उनको कैटेगराइज करता है कि कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। मोहम्मद दिलावर के बारे में एक और बात जान लें, ये बहुत ही फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रहे हैं और टाइम मैगजीन के शीर्ष 30 प्रभावशाली एनवायरमेंटलिस्ट के नामों में इनका नाम भी शुमार था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कभी भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है, खासकर ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी जो इनका एक एनजीओ है, ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। भारत में जो है 5 प्रकार की गौरैया की प्रजाति पाई जाती है और इस साल जो है आई लव स्पैरो, ये इस वर्ष जो है गौरैया दिवस की इस वर्ष 2022 का थीम है, ठीक है, जिसमें कि इस डेट पे यह रिलीज किया गया था। ये गौरैया आमतौर पर हम सभी के घरों में भी पहले बचपन में मिला करता था, जो आप देख रहे होंगे अभी भी मिलता होगा, लेकिन अब धीरे धीरे इनके नंबर्स जो है डिक्रीज हो गए और ऐसा होगा कि आने वाले समय में पूरी तरह से ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, विलुप्त हो सकता है, तो उसको बचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि एक और इंपॉर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 21 मार्च, ठीक है, और वर्ष 2012 में 21 मार्च को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषणा की गई थी, याद रखेंगे 2012 क्यों इंपॉर्टेंट अभी हम समझेंगे, है ना। और इस वर्ष जो इसका जो उद्देश्य क्या है और क्यों मनाया जाता है इसे भी देखें, उद्देश्य ये है वनों के महत्व, इसके योगदान के बारे में सभी कम्युनिटी में जागरूकता फैलाना, ताकि वनों का संरक्षण हो सके,
और इसका जो आयोजन किनके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन वन फोरम, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम, यूनाइटेड नेशन फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNFAO के द्वारा ये संयुक्त रूप से मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, याद रखेंगे। विश्व वन दिवस 2022 की थीम क्या थी, वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये इसका क्या है, एक थीम है वर्ष 2022 का। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर हम इसके स्टैटिक पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट में क्या है, हमको पता होगा कि फॉरेस्ट कवर होता है, फॉरेस्ट कवर होता है जिसमें कि हम इसके कैनोपी के बेस पे हम क्या करते हैं, इसे डिसाइड करते हैं कि किसी एरिया में कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, कौन से ओपन फॉरेस्ट है, उसे थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतर चीजें इसमें मिल सके, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम इस रिपोर्ट को देखेंगे थोड़ा सा, ये इसका डायनेमिक पार्ट है, जो दो साल तक आने वाले, दो साल तक ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें दो बातें आती हैं कि एक होता है कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी है ना पतान घनत्व हम उसे कह सकते हैं, कि एक ट्री है उसके चारों तरफ जो है जो उसका आवरण होता है, ये आवरण ही क्या कहलाता है, उसका कैनोपी कहलाता है। तो एक हेक्टेयर में अगर ले लें, अगर एक हेक्टेयर में क्या है, उस एक हेक्टेयर के एरिया के कंपेटिवली अगर इसका जो है कैनोपी डेंसिटी, यानी कि इसका जो ओवरऑल ये आवरण क्षेत्र 70% से अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, अक्सर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन वाले जो होते हैं, वहां पे इस प्रकार की वेरी डेंस फॉरेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि भारत में ईस्टर्न हिमालयन क्षेत्र में लाइक नॉर्थ ईस्ट में ये मिल जाएगा, वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह, वैसे अमेजन फॉरेस्ट में इसी प्रकार की वेरी डेंस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलता है, लेकिन किसी का एरिया कम है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन याद रखें इसका कैनोपी डेंसिटी कितना, 70% से अधिक होना चाहिए। दूसरा कि ऐसा फॉरेस्ट जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है वो क्या है, 30 से लेके 70% तक अगर इनका कैनोपी डेंसिटी हो तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है इसे। और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट जो होता है वह क्या होता है, 10 से लेके 30 तक के बीच में हो तो वो क्या कहलाता है, ओपन फॉरेस्ट या खुले वन कहलाता है, ठीक है। और जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10 से नीचे हो वो फिर वृक्षावरण में कहलाता है, वो ये फॉरेस्ट कवर है, वो क्या होता है कि ट्री कवर में फिर गिना जाता है। क्लियर हो गया, ये बातें आपको याद रखनी है। अब ISFR के हिसाब से ये चीजें याद रखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों की आवरण में वृद्धि हुई है, वन आवरण में भी वृद्धि हुआ है, वृक्षावरण में भी वृद्धि हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और भारत का वन क्षेत्र 1713789 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के टोटल ज्योग्राफिकल लैंड का 21.71% है, जो वर्ष 2019 के तुलना में जो है उस समय क्या था, 21.67% था, और अभी कितना है, 21.71% हो गया है, ठीक है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सब देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है फर्स्ट, सेकंड कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ इज ओडिशा, एंड लास्ट वन मतलब यहाँ पे जो है फिफ्थ वन जो है महाराष्ट्र है। कुल ज्योग्राफिक भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन सा है, देखो प्रतिशत है, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिजोरम इज द फर्स्ट, यानी उसका टोटल एरिया में जो है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट की बात की जा रही है फॉरेस्ट कवर का, तो वो क्या है, मिजोरम इज द फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड, और मेघालय थर्ड, मणिपुर फोर्थ, और नागालैंड फिफ्थ। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात कि अगला जो कंटेंट है वर्ल्ड वाटर डे, ये वर्ल्ड वाटर डे कब क्या है, ठीक फॉरेस्ट डे के नेक्स्ट डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे IDF कब था, 21 था, उसके नेक्स्ट डे ही क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके पीछे कुछ हिस्ट्री भी छुपी हुई है, इस स्टैटिक पार्ट में पढ़ेंगे अभी, लेकिन इसके पहले आप याद रखें कि सतत विकास लक्ष्य का जो 6 नंबर का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जानते हैं आप,
देखिए दो चीजें आएंगी अभी से पढ़ेंगे हम, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एमडीजी से कहते हैं, और दूसरा है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इसे दोनों पार्ट को अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि वर्ल्ड वाटर डे का इस साल का जो थीम था भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। देखिए कितना परसेंट जो है वाटर है, अगर देखा जाए तो 71% वाटर है, 21.9% क्या है वो टेरेस्ट्रियल पार्ट, ये सभी को पता है। ये 71 में केवल 3% भाग क्या है, वह उन क्षेत्रों में है जो भूजल के रूप में है या ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही अलग अलग जगह पे। इसका जो 2/3 पार्ट बहुत ही डिफिकल्ट एरिया में मिलता है, बहुत ही जो है कह सकते हैं ऐसे कठिन परिस्थितियों में मिलता है जो आसानी से हम उसे यूज नहीं कर पाते। तो याद रखेंगे ये 2/3 जो पार्ट है ये वो पार्ट है जो ऐसी जगह है जहां पे हम उसे जो है उस संसाधन को उपयोग नहीं कर पाते, तो काफी कम मात्रा में हम देखते हैं यह भूजल जो है हमको मिल पाता है। अगर हम देखें जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, एशिया पैसिफिक जो जोन है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है भूजल मिलता है। भारत भी उन देशों में, यहाँ पे देखेंगे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे जो है करीब 7-8 देश जो है सर्वाधिक भूजल उपयोग करने वाले देशों में शुमार है। यहाँ पे ये बातें याद रखेंगे तो अब जो है वर्ष 1992 में पहली बार यूनाइटेड नेशन की महासभा में एक प्रस्ताव अपनाया गया। 1992 में क्या हुआ था बताइए आप, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन नंबर फर्स्ट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेकंड कब हुआ था, उसके ठीक 10 वर्ष बाद वर्ष 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में क्या हुआ था, ये दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 2, और यहां पे ही इस चीज का लिंक छुपा हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे का और उसके बाद की आने वाली चीजों का, ठीक है। देखो 1992 के अर्थ समिट में जो है 6 इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए थे। उस डॉक्यूमेंट रिलीज करने के बाद जो है उसको आगे जो है मानने के लिए उसे अपनाए जाने की जो है आगे प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे 1992 में ही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की बात कही गई। ये जो है इसके बाद से प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं इसके आगे की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए कहां पे, पृथ्वी सम्मेलन 2 में। पृथ्वी सम्मेलन 1 रियो डी जेनेरो में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 2 जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग गोल डिसाइड किए गए थे। इसी सम्मेलन में एक याद रखना कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये स्टार्ट किया गया था, अब ये कब हुआ था, 2002 में। इसके कुछ वर्षों बाद वर्ष 2015 में ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान अब कौन ले गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ले लिया। तो इसमें क्या है, 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं कि एनवायरनमेंट को बिना क्षति पहुंचाए विकास करना, या विकास का वह स्वरूप जिसमें कि एनवायरनमेंट को न्यूनतम जो है क्षति पहुंच सके और जो है हम आगे डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ पे 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें जो छठा नंबर है, 6th नंबर है, वह है ये जल संरक्षण की बात की जाती है, जल प्रबंधन की बात की गई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 है, और सतत विकास हेतु जल संबंधी कार्यवाही के लिए वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय दशक है 2018 से लेकर 2028 तक का ये दशक माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ये पॉइंट जानना जरूरी था कि विश्व जल दिवस जो है पहली बार पृथ्वी सम्मेलन 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2002 में जो है पृथ्वी सम्मेलन 2 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया, इसके बाद इसका स्थान 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने ले लिया, जिसके जो 17 गोल्स में 6 नंबर का जो गोल है जिसमें कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात की गई है, इसको लेकर आगे जो है सभी पॉलिसी बनाए जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि वर्ल्ड टीबी डे, ऑलरेडी आपने ये कंटेंट को आनंद सर की करंट अफेयर्स में कवर कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट में यहाँ ऐड करूंगा कि 24 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जिसके बैक्टीरिया के कारण टीबी डिसीज होता है।
तो बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है? टीबी है, ये याद रखेंगे। जो सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में क्या है, ये 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, वर्ष 2022 में टीबी का जो है टीबी डे का थीम है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद बातें याद रखेंगे, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त राष्ट्र के रूप में हम लक्ष्य रखे हैं, इसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक वाला एंगल देख लीजिए, ये रॉबर्ट नाम से है, तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में टकरा जाएंगे आपसे। एक है रॉबर्ट कोच, जिसमें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था जिसके कारण टीबी होता है, ये है। दूसरा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक जो है कोशिका या सेल का डिस्कवर उन्होंने किया था। और तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या कौन है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर उन्होंने किया था। तो तीनों रॉबर्ट को आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर किसका किया था, सेल का किया था, कोशिका का, और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये बातें याद रखनी है, ये ऑलरेडी आपने कवर कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि मेडागास्कर, मेडागास्कर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। मेडागास्कर का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो देखो, इंडिया का अगर हम देखेंगे, अगर अर्थ को देखते हैं तो इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। ये मतलब अर्थ का जो है विषुवत रेखा क्षेत्र है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे मेडागास्कर को देखते हैं तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, एग्जैक्ट यहाँ पे आसपास है। तो यहाँ पे देखते हैं उसके भी नीचे, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेटर के और करीब, मतलब ये वह क्षेत्र है जहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और वर्ल्ड के जो है 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट जोन में ये मेडागास्कर जोन भी इसे गिना जाता है। वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां डेंसिटी और बायोडायवर्सिटी बहुत हाई होती है। और उन क्षेत्रों में, उन 36 में 8 ऐसे हैं हॉटेस्ट हैं, और उस हॉटेस्ट में ये मेडागास्कर भी आता है। इंडिया के 3 जो है, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं, उसमें 3 क्या है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में गिने जाते हैं। आप 4 जो है आप जानते ही होंगे, जो है वेस्टर्न घाट है, दूसरा हिमालयन है, तीसरा इंडो बर्मा है, चौथा क्या है आपका सुंडरलैंड है। तो आप हिमालय वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दो तो बचे हुए 3 वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंडरलैंड क्या है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में गिने जाते हैं। तो याद रखेंगे, तो ये मेडागास्कर एरिया जो है बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया में एक ऐसा मेडागास्कर में ग्रीन ट्रायंगल बनाया गया है जो सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। मेडागास्कर में एक्चुअल में देखते हैं बहुत सारे जो है प्रवासी लोग रहते हैं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के पोरबंदर राज्य से, जहां से महात्मा गांधी बिलोंग करते थे। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हुए, उन्हीं को समर्पित करते हुए यह ग्रीन ट्रायंगल का जो है अनावरण किया गया है, ठीक है, मेडागास्कर की कैपिटल में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ उसका जो है ये एंटाना नारिवो, ठीक है, याद रखेंगे इसे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ग्रीन शब्द इंपॉर्टेंट है जो उसके सतत विकास और पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और चूंकि यहाँ पे लाइक महात्मा गांधी को इसे क्या है समर्पित किया गया, इसलिए इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम देखते हैं नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वा मैप का उद्घाटन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा किया गया। पिछली क्लास में भी हम देखे थे भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, प्रोफेसर के विजय राघवन, ठीक है। तो ये एक्वा मैप जो है IIT मद्रास में जो है इसे क्या है लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। बेसिकली जल प्रबंधन समस्याओं से दूर करने के लिए, जल से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जल प्रबंधन की जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह एक्वा मैप जो है बनाया गया है। क्योंकि पहली बार बनाया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मार्ट जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने की, पॉलिसी को लागू करने के लिए, जल संबंधी समस्याओं का समाधान करने की के लिए ये सब लाइक एक्वा मैप रिलीज किया गया है, ताकि इसका बेहतर एप्लीकेशन, इसके व्यापक प्रभाव वाले समाधान को हम पा सकें। और क्या खास बात है कि यहाँ पहली बार भारत का पहला हाइड्रो सूचना विज्ञान प्रयोगशाला, हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स लैबोरेटरी जो है यहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे, IIT मद्रास में, ठीक। ये बातें याद रखेंगे, बाकी चीजें यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्वा मैप पहली बार बनाया गया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पे भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटीए 2022 जो है का
नौवां संस्करण जो है ये प्रैक्टिस किया गया, अभ्यास किया गया। सेसेल्स जानते हैं आप लोग, सेसेल्स क्या है? इंडियन ओशन में, यानी कि हम कहेंगे हिंद महासागर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वही सेसेल्स है। वहां पे वहां के जो कुछ कल्चर्स हैं वो काफी हद तक इंडिया से भी रिलेटेड होता है, या काफी सारी चीजें भारत से जुड़ी हुई हैं। उस सेसेल्स में 115 ऐसे क्या हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है। इनको जो है सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सेसेल्स कहा जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में हम क्या करते हैं, उनके साथ ये इस प्रकार का सैन्य अभ्यास करते हैं, ताकि इसका जो उद्देश्य क्या है, दोनों सेनाओं के बीच बेहतर कौशल, अनुभव और आदान प्रदान हो सके, द्विपक्षीय सैन्य संबंध बन सके। और क्या खास बात है कि वर्तमान में जब देखते हैं साउथ चाइना सी है, या पूरा चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, तो उससे बचने के लिए, या फिर हम कहें कि वर्तमान वैश्विक चुनौती या हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, इसी के संदर्भ में सैन्य अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष में ये किया जाता है। तो बस यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, इसका कोई स्टैटिक एंगल तो फिलहाल नहीं है। बस याद रखेंगे कि ये सेसेल्स कहाँ पे है, यहाँ पे इंडियन ओशन में है, और यहाँ पे उसके साथ प्रत्येक 2 वर्ष में हम उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं। नाउ कम टू द पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के सेशन का, कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया। बोमा तकनीक क्या है? इट इज सिमिलर लाइक दिस फनल। फनल कैसे होता है? इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये फनल का जब यहाँ पे होता है, कैसे इसका जो है लाइक वर्क करता है, इसे हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है, चीतल हिरण को पकड़ने में किया गया था। कहाँ किया गया था? यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को और किस नाम से जाना जाता है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर पक्षी अभयारण्य क्या है? वास्तव में एक ही चीज है, देख रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, अब उसको क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है, अभी हम उसे डिस्कस करते हैं। कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कि किसी एक ऐसा जोन, कोई ऐसा जोन जिसका नाम है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर नेशनल पार्क में किसके नंबर्स बढ़ गए थे? चीतल हिरण के नंबर्स बढ़ गए थे। इसको पकड़ना था, उनको मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जाके छोड़ना था। देखो छत्तीसगढ़ में जैसे हम देखते हैं टाइगर रिजर्व, पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं टाइगर रिजर्व, तो 52+1 जो है ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 53वां जो है जस्ट अधिसूचना जारी होते ही वो बन जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ही वो, ठीक है। कौन सा है आप जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि 53वां नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है, ठीक है। अब उसकी आधी प्रक्रिया हो चुकी है, तो कई बार कुछ जगह 52 दिखेगा, कुछ जगह 53 दिखेगा, सो डोंट बी कंफ्यूज, अधिसूचना जारी होती 53 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में ये जो चीतल हिरण को हमको पकड़ के छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? ताकि वहां पे लाइक बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। तो जितने भी चीतल जो हिरण वगैरह है, क्या किया जाता है, इस प्रकार फनल टाइप के साइज बनाया जाता है, और ये क्या है, विजिबल नहीं होता, या फिर उसमें ऐसे वुडी पार्ट से, या लाइक एक ऐसे बाड़े में पहुंचाया जाता है ताकि वो इधर आ सके, और इधर से जैसे ही भगाया जाता तो इस रास्ते में आ सके, और यहाँ पे वो पकड़ के फाइनली किसी लाइक माध्यम के द्वारा जो है उस जगह पे, टारगेट जगह पे पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे देखिएगा, चीतल जो है IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय, लिस्ट कंसर्न है, मतलब इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, बाढ़ के माध्यम से, मतलब जानवरों का पीछा करके बाड़े में पहुंचा दिया जाता है, और फाइनली उसे पकड़ के लक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो तकनीक है इसे हम कहते हैं ब्रोमा तकनीक। पहले अफ्रीका में इसे यूज किया गया था, और इसे जो है NTCA के द्वारा अनुमोदित किया गया, मतलब इनके द्वारा ये अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इनके द्वारा अप्रूव्ड है ये NTCA, कौन सी बला, इसे भी देखेंगे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसके कारण हो क्या रहा था, कि आपने आपके मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था, वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन के बीच में कंफ्लिक्ट, वन्य जंतु एवं मानव संघर्ष के बीच में टिप्पणी करिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो जनरली हम क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जोन में हाथी जो है विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ह्यूमन लाइक रहवासी एरिया में क्या कर चले जाते हैं, तो कई बार इसकी दुर्घटनाएं भी हमको सुनने को मिलती हैं, या फिर हम कहते हैं फसलों को वो नुकसान भी पहुंचाता है, तो वो क्यों पहुंचाता है,
क्योंकि हम उसके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वह अपने पानी और फूड के कारण, भोजन पानी के कारण जो है उन रहवासी क्षेत्रों में इंक्रोच करके चला जाता है। ठीक है, तो उसका कारण भी प्रत्यक्ष तौर पे ह्यूमन बीइंग ही है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब खास बात क्या है कि यदि किसी क्षेत्र में खाने और पानी की कमी हो गई तो वो क्या करते हैं, उस जो है आसपास के क्षेत्र के क्षेत्रों में वो क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जो है उस आसपास के ग्रामीण के मवेशियों को, भेड़ों को, बकरियों का शिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब वो तो एलिफेंट के केस में था, लेकिन टाइगर के केस में क्या देखते हैं, इस प्रकार की चीजों को हंटिंग कर लेते हैं। एलिफेंट के केस में ऐसा इस टाइप की चीजों का तो हंटिंग करता नहीं है, तो वो तो क्या है, वेजिटेरियन है। अब यहाँ पे याद देखते हैं, यहाँ पे वो हर्बीवोर से कहने का मतलब, अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जब इनका जो है हंटिंग जो है आसपास में ज्यादा होने लगा, बाघ अभयारण्य के आसपास जब ये इनका हंटिंग हो रहा था, तो उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, टाइगर रिजर्व में इनको भेजेंगे। और ये क्या है, उनका एक नेचुरल फूड है, वो फूड चेन का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स बढ़ गए, अब वो क्या है, वो इनसीटू टाइप का कंजर्वेशन है, जो उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका क्या है, लाइक संरक्षण किया जाना है, तो उसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं और वही उनका भोजन की व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। नेशनल पार्क में अलग से भोजन नहीं दिया जाता उनके नेचुरल पार्ट को। हाँ, कहीं पे मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट है तो ठीक है, दिया जा सकता है, लेकिन इन जनरली उनके नेचुरल हैबिटेट में ही अपने भोजन पानी की व्यवस्था खुद ही करते। ठीक है, वो कोई जू में, जू का केस अलग है, वो एक्सीडू टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, जहां पे फूड सप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क में वो खुद ही अपना फूड चेन में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खुद ही अपना फूड चेन को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या क्या बातें हैं कि लिस्ट कंसर्न था इसलिए वहां पे छोड़ा गया, ताकि वो बाघ या बाघ अभयारण्य के पास उनका जो है उनके लिए खाने की भरपूर उपलब्धता हो सके, और इस प्रकार वहां पे लिया गया। NTCA बाघ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये जो है यहाँ पे याद रखेंगे, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है 1972 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम बना था, इसमें इसी के तहत जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने थे, इसी के तरह नेशनल पार्क बने थे। तो उसमें 2006 में क्या है, कुछ अमेंडमेंट किया गया, और 2006 में ही अमेंडमेंट के द्वारा NTCA का गठन किया गया। इसके हेड कौन होते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो उसके वही चेयरमैन होते हैं। क्यों मनाया, इसे क्यों गठन किया गया था, ताकि लाइक टाइगर कंजर्वेशन और बेहतर तरीके से हो सके, यानी कि उसका मैनेजमेंट या रेगुलेशन बेहतर तरीके से हो सके। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधिक निकाय है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 2006 में इसका गठन किया गया था। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लाइक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा देख लेते हैं इधर की बातें कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या है, यह पार्ट इंक्लूडेड है, कौन सा, केवलादेही नेशनल पार्क। केवलादेही नेशनल पार्क जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, उसको पता है कि सांस्कृतिक एक लिस्ट होती है, एक प्राकृतिक लिस्ट भी होती है, एक मिश्रित लिस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नेचुरल जो है साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, आप मुझे लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पहला मैंने कहा था, पहला एक जो है यहाँ पे नाम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो क्या नाम है, केवलादेही नेशनल पार्क। तो बचे हुए और कौन कौन से हैं, है ना, और मिश्रित श्रेणी का कौन सा है, मिक्स श्रेणी का कौन सा है, तीन कैटेगरी, कल्चरल जो आप अलग से आप पढ़ते ही हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या कवर करना है, हमको कवर करना है इसके लाइक प्राकृतिक ऐसे स्थान जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, जिसमें कि केवलादेही भी एक है, और एक ऐसा है जो मिश्रित श्रेणी का है। ठीक है, तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये रामसर साइट में भी है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को अगर हम देखें नंबर ऑफ वेटलैंड, कौन से वेटलैंड, रामसर वेटलैंड रामसर नम भूमि की कुल संख्या 49 हो चुकी है। 2 फरवरी 2022 को दो नए वेटलैंड जो है इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, जिसमें कि खिजड़िया जो है अभयारण्य गुजरात का था, और दूसरा जो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, क्योंकि ये भी बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये केवलादेही भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे।
टाइगर रिजर्व की बात कर ही रहे हैं तो पूरे पूरे राजस्थान में, क्योंकि केवलादेव राजस्थान में, तो राजस्थान में एक हमने देखा मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, अब दो और हैं, मतलब टोटल तीन टाइगर रिजर्व हैं आप राजस्थान में याद रखेंगे। तो मुकंदरा हिल्स हो ही गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बचता है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, माधव सवाई माधोपुर के आसपास है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर के पास है। तो अगर आपको टाइगर रिजर्व अलग से रट्टा मारना है तो आप उसको क्या करें कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके इंस्टॉलमेंट में उसे लर्न करें, जिसमें कि स्टेट वाइज याद रखें, ठीक है। तो स्टेट वाइज जब याद रखेंगे तो आपको राजस्थान की तीन याद होंगे, कौन कौन से, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और रणथंभौर, ये तीन टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे। वैसे नेशनल पार्क को भी सिमिलरली आप ब्रेक डाउन कर करके लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये केवलादेव नेशनल पार्क एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हैं साइबेरियन क्रेन, है ना। साइबेरियन क्रेन जो है ठंड के सीजन में साइबेरिया जो कि जो कहां से है, कहां पे है, रशिया से अटैच पार्ट है, वहां से माइग्रेट करके कहां जाते हैं, भारत आ जाते हैं, और लंबे समय तक यहां पे केवलादेव नेशनल पार्क आदि जगह में और दूसरे अलग वेटलैंड जोन में क्या करते हैं, आते हैं। और यह वो क्षेत्र है जिनका प्रजनन क्षेत्र है, इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, याद रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इस आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट यही था, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दिया इस पर। अब आगे देखते हैं हम इसमें कि INS इंडियन नेवल स्टेशन शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पहली बार जो है शामिल किया गया है, और किसी भी तरह का यह पहला ऐसा प्रयास है जब इस टाइप की चीजों को मान्यता दी गई है, कौन सा, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, ठीक है। क्या कौशल एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए INS शिवाजी की निरंतरता प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप लोग मुझे ये बताइए कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, जल्दी कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको ये चीज पता है, ठीक है, तो अब ये INS शिवाजी को ऑलरेडी आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ पे स्टैटिक का बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे जब भी इंडियन नेवी की बात की जाती है तो इंडियन नेवी की जब भी बात करती है तो सीधा 1674 का वह घटना याद करिए जब पश्चिमी साम्राज्य की स्थापना जो है शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो उनके द्वारा उनके समय में तत्कालीन जो पोर्तुगीज थे, ठीक है, जो डच थे और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, उनके अगेंस्ट में कोंकण और गोवा क्षेत्र में वीर छत्रपति शिवाजी के द्वारा पहली बार नेवी का गठन किया गया था। तो उन्हीं को समर्पित करते हुए भारत में फादर ऑफ इंडियन नेवी किनको कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है, क्योंकि पहली बार वही उन्होंने गठन किया था। तो जब 1945 में यहाँ पे देखते हैं, हालांकि इंडियन नेवी के हिसाब से देखा जाए तो इसका गठन 1950 के बाद हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि INS शिवाजी को, INS शिवाजी जो है पहली बार जो है इसमें एक खास बात देखी गई कि इसको उत्कृष्टता सेंटर के रूप में क्या है, इसे मान्यता मिली, ठीक है। यह जो INS शिवाजी का उत्कृष्टता केंद्र जो है 2014 में एक व्यापक जनादेश के द्वारा जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था, उसे क्या है, रिनोवेट किया गया था। एक्चुअल में ये नौसेना स्टेशन को 1945 में HMIS हिज मैजेस्टी एन इंडियन शिप के रूप में INS शिवाजी को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें जो उत्कृष्टता सेंटर था, समुद्री इंजीनियरिंग का जो सेंटर था, इसे रिनोवेट करके 2014 में क्या हुआ, इसे जो है फिर से कमीशन्ड किया गया था, फिर से इसे चालू किया गया था। अब उसे जो है उसका जो फायदा क्या मिलना है कि फ्यूचर में हम ज्यादा बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएंगे, अनुकूल विदेशी नौसेनाओं का हम मुकाबला कर पाएंगे और एक हेल्दी इकोसिस्टम बना पाएंगे ताकि हम नौसेना में बड़े पैमाने पर हम सुधार कर सकें। तो ये बातें याद रखेंगे, है ना, कि पहली बार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे उत्कृष्टता सेंटर के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल और भी बहुत सारी इसमें बातें, कुल मिला के हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, वैश्विक चुनौतियों को सामना करने के लिए हमारे पास ऐसी एक कहने चाहिए एक कौशल होना चाहिए, एक ऐसा स्किल होना चाहिए, है ना, इसमें जो है मैन पास या ह्यूमन रिसोर्स को हम ट्रेन कर पाएं ताकि वह बेहतर से बेहतर जो है इसका आने वाले समय में बेहतर उसका सुधार कर सके। क्लियर हो गया, तो ये बातें बस याद रखेंगे, ये INS शिवाजी है। इसके बाद देखते हैं भारत उज्बेकिस्तान के बीच में सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास क्या है, दोस्तलिक
तो आपको अक्सर देखो हर साल पेपर में कुछ ना कुछ डिफरेंट कंट्री के द्वारा कुछ सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, और वो सैन्य अभ्यास हमेशा हर साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हॉट टॉपिक होता है। तो इसलिए मैंने अगली स्लाइड में भी उसे ये शामिल किया हुआ है ताकि आप चीजें को बेहतर तरीके से याद रख सके और समझ सके। 22 से लेके 31 मार्च के बीच में थर्ड ऐसा एडिशन था, तीसरा संस्करण था, कहां पे? यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में, ठीक है। यहां पे खास बात याद रखेंगे कि यहां पे भारत की ओर से ग्रेनेडियर्स बटालियन के द्वारा इस अभ्यास में जो है वो पार्टिसिपेशन किया गया, ठीक है। इसका महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा और संपर्क हेतु उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया समझते हैं, भारत के ऊपर जो अफगानिस्तान रीजन है, अफगानिस्तान रीजन तो अभी तालिबान का शासन है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, उसके बाजू में यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है आपका उज्बेकिस्तान है, जहाँ पे हम मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए हमारा अफगानिस्तान के साथ भी फिलहाल जो है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जो अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है। अब सीधा हम क्या उज्बेकिस्तान तक हम पहुंच सकेंगे, ठीक है। जिसके बाद जो है हम ये सैन्य अभ्यास यदि हम बेहतर रखें, आपसे सामंजस्य बेहतर रखें, तो इसमें क्या है हमको फायदा होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि डिफरेंट अलग अलग जो सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं इसे कौन से एक्सरसाइज का नाम है, कौन कौन से देशों के बीच में है, तो एक तरफ तो पूरा इंडिया कॉमन है सभी में, तो गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच में होता है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होता है, एक्वेरियन किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, हैंड इन हैंड किनके बीच में होता है, इंडिया चाइना, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, शक्ति इंडिया फ्रांस, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, और युद्ध अभ्यास यूएसए एंड इंडिया। सो दिस कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिएगा, है ना। ये कंटेंट बार बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे पिछले जो है स्लाइड देखा दुस्तलिक का, ठीक है, जो उज्बेकिस्तान के साथ था। क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हम कि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्या है कि घरों की छतों में इस प्रकार सोलर पैनल लगाना, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है, SPV, सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जो क्या करता है, क्या करता है कि सनलाइट की मतलब जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। वो अल्टरनेटिव करंट के द्वारा फिर घरों में उसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, रूफटॉप जो है सोलर प्रोग्राम फेज टू स्टार्ट किया गया। तो ये रूफटॉप जो है क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कभी खत्म नहीं होगा, स्वच्छ ऊर्जा है, तो इसलिए हमने अपना नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य भी निर्धारित कर रखा है। प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर रखा है और आपके CGPSC एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी हो, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि सोलर रूफटॉप प्रोग्राम का जो फेज टू है इसे स्टार्ट किया गया है ना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जिसमें कि हमको पता है कि इसमें जो हमारा अगला टारगेट है 4000 मेगावाट का रूफटॉप सोलर हमको क्षमता वृद्धि करना है। 2022 का ये टारगेट है, याद रखना, मतलब इसी वर्ष इसे पूरा किया जाना है, ठीक है। जिसमें कि दो टाइप के होते हैं कि जैसे घरेलू में जो आवासीय भवनों में आपके घर में भी इसे लगा सकते हैं, 5 से लेकर 20 किलोवाट तक का, ठीक है, बिजली का बिल आपको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। दूसरा क्या है, जो वाणिज्यिक भवन कमर्शियल जो है बिल्डिंग्स में 100 किलोवाट का जो है हम यहाँ पे इस टाइप के सोलर रूफटॉप जो है लगा सकते हैं। काफी गवर्नमेंट के द्वारा काफी जो है इसका प्रयास किया जा रहा है, काफी प्रमोशन भी किया जा रहा है, बहुत सारी सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे। फोटोवोल्टिक सेल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ब्रिक्स टीका संस्थान और अनुसंधान एवं विकास केंद्र यहाँ पे देख रहे हैं कि दुनिया में अगर हम देखते हैं भारत द्वारा कितना है, 60 से 70%, है ना, 70% अराउंड जो है पूरा वैक्सीन का सप्लाई इंडिया के द्वारा किया जाता है। अभी जब कोविड वैक्सीन की इतनी भारी मारामारी थी तो ठीक है, स्टार्टिंग भले दूसरे कंट्री के द्वारा किया गया, लेकिन भारत में प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़े फिगर्स जो है अचीव किए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में 70% सोचिए किसका वैक्सीन का सप्लाई जो है इंडिया में से किया जाता है, जो 150 से अधिक देशों को फायदा मिलता है,
अब यहाँ पे खास बात याद रखें कि जो है फार्मा सेक्टर भारत का बहुत ही आगे है, इसी कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रिक्स इस प्रकार का टीका अनुसंधान विकास केंद्र जो है स्टार्ट किया। इसमें क्या है, चीन के जो साइंस टेक मिनिस्टर वांग जियांग ने इसमें क्या है अध्यक्षता की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखना ये सेंटर स्टार्ट किया गया क्योंकि भारत विश्व के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण उद्योगों में से एक है। और बाकी ब्रिक्स का फुल फॉर्म जानते ही हैं, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स नेशंस कहलाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं आज के सेशन का सबसे लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट हमको यहाँ पे समझना है यहाँ से। ठीक है, ये है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। तो DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSEM की सैन्य संस्करण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसमें दो टेस्ट किया गया, पहला परीक्षण और दूसरा परीक्षण। कि हम देखते हैं पहले क्या है MRSEM, MR मीडियम रेंज सरफेस टू एयर MRSEM और मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो वैसे तो देखा जाए इसका जो है पहला परीक्षण किया जा चुका था, लेकिन बार बार जब भी हमको टेक्नोलॉजी को अचीव करना होता है तो हम पहले उसका प्रदर्शन करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद हमारी क्षमता में और वृद्धि होती है क्योंकि हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, MRSEM का दो इंपॉर्टेंट टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया, इंटीग्रेटेड रेंज ITR चांदीपुर। कहाँ पे, चांदीपुर ओडिशा में है। ठीक, ओडिशा के तट में। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो दो लक्ष्य रखा गया कि जब भी इस प्रकार की सरफेस टू एयर मिसाइल की बात की जाती है तो आप सरफेस में हैं, एयर से कोई चीज आप पर जब आती है तो यहां से यहां जब अटैक आएगा तो आप उसके रिएक्शन में इसे हवा में ही क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका बचाव हो सके। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी मिसाइल जो मध्यम दूरी से आ रही थी, टारगेट आप तक आ रही थी, उसको हवा में डिस्ट्रॉय किया गया। और दूसरी कम ऊंचाई वाली भी इस प्रकार की कोई एक आ रही थी मिसाइल, है ना, जो उसका जो है उसके रिएक्शन में हमने क्या किया, इसे भी डिस्ट्रॉय किया। कम ऊंचाई वाले हमेशा क्या है, रडार में क्या है, पहुंच में नहीं आ पाते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो पहला परीक्षण 2020 में किया गया था, अब उसके बाद दूसरा परीक्षण वर्ष 2022 में यहाँ पे किया गया है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेक्नोलॉजी है भारत और इसराइल के संयुक्त प्रयास से डेवलप हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि DRDO और इसराइल का जो डिफेंस है, एयर इसराइल एयरस्पोर्स एयरस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। अब इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप याद रखेंगे कि ये जो आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, भारत की जो तकनीकी क्षमता है या भारत का जो डिफेंस है, ये इसको काफी स्ट्रेंथन करेगा, काफी मजबूत करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी हमारे पास हवाई लक्ष्य के विरुद्ध जब इस प्रकार का टारगेट कर रहा है, सामने से बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, तो उसको बचने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस प्रकार की टेक्निक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के सेशन में आपने साइंस टेक और एनवायरमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ा। आई होप आप सभी बातों को ग्रास्प कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।